Hello everyone, this is Preeti Yadav. So today I'm going to explain you the chapter number 7 of Hindi literature of class 2. The chapter name is Jukham Se Ban Gaya Kaam. Okay, so see, let's start the chapter. We will see that what was happened with the cold in this chapter. Jungle ka raja tha sher. That you know very well, who was the king of this forest? Lion. तो जंगल का राजा था शेर. एक दिन उसने अपने तीन मंत्रियों यानी मिनिस्टर गीदड़, भेड़िए और खरगोश को अपने पास बुलाया. वह उन तीनों की परीक्षा लेना चाहता था. यानी देयर आर द थ्री मिनिस्टर ऑफ द लॉइन. यहाँ पर मिनिस्टर के तीन मंत्री थे, यानी लॉइन के तीन मंत्री थे. वो थे, एक था गीदड़, भेड़िया और खरगोश. तो उसने एक दिन इन तीनों को अपने पास बुलाया बिकॉज वो उनकी एक एग्जाम लेना चाहता था, परीक्षा लेना चाहता था, उनको टेस्ट करना चाहता था. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. सी, पहले उसने गीदड़ को बुलाया और कहा, मेरा मुंह सूंघ कर बताओ कि उसमें बदबू आ रही है या खुशबू. मुंह मतलब सूंघ, स्मेल करना. सूंघना मतलब स्मेल करना. तो शेर ने गीदड़ से कहा कि पहले ऐसा करो, मेरा मुंह सूंघ कर ये बताओ कि इसमें बदबू आ रही है या खुशबू. तो गीदड़ ठहरा पूरा चापलूस. चापलूस मतलब दोस पीपल यूज टू फ्लैटर. जो व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो चापलूस होते हैं, चाहे आप गलत हो चाहे सही. गीदड़ ठहरा चापलूस. उसने शेर का मुंह सूंघा, बोला, हुजूर के मुँह में बदबू का क्या काम, मुझे तो खुशबू आ रही है. ये किसने कहा? ये कहा गीदड़ ने. तो मुझे हुजूर यानी महाराज, आपके मुंह में बदबू कैसे आ सकती है? मीन्स वो उसकी तारीफ कर रहा है, आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है. सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया. वह बोला, झूठा कहीं का चापलूस, मैं मांसाहारी हूँ, मेरे मुंह से खुशबू कहाँ से आएगी. यह कहकर उसने गीदड़ को मार डाला. मीन्स यहाँ पर शेर ने क्या किया, शेर को गुस्सा आ गया क्योंकि गीदड़ झूठ बोल रहा था. उसने कहा कि मैं तो मांसाहारी हूँ, मैं मांस खाता हूँ, फिर मेरे मुंह से खुशबू कैसे आ सकती है. तो इस तरह से गुस्सा होकर के शेर ने गीदड़ को मार डाला. नाउ नेक्स्ट, फिर उसने भेड़िए को बुलाया और उसने वही सवाल भेड़िए से भी किया. लेकिन भेड़िया भी बहुत डरा हुआ था. उसने कह दिया, जनाब खुशबू कैसे आएगी, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है. फिर क्या था, शेर भला अपना अपमान कैसे सहता. मीन्स वो तो जंगल का राजा है, इतना पावरफुल होता है, उसे लगा ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है. फिर उसने क्या कहा, वह चीखने लगा, बदबू आ रही है, अच्छा ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ. और फिर शेर ने भेड़िए को भी मार डाला. यहाँ पर यानी जिसने उसकी चापलूसी की शेर की, उसने उसको भी मार डाला. और जिसने सच बोला, किसने, भेड़िए ने, और उसको भी उसने मार डाला. उसने कहा कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि बदबू आ रही है तो शायद ये मुझे छोड़ दें. ठीक है, तो इस तरह उसने भेड़िए को भी मार डाला. अंत में खरगोश की बारी आई, यानी टर्न आया, उसका नंबर आया. खरगोश शाकाहारी था. मीन शाकाहारी, दोस पीपल दे यूज टू ईट ओनली वेजिटेबल्स बट दे डोंट यूज टू फ्लैश, दे डोंट यूज टू ईट फ्लैश. शाकाहारी था और चालाक भी, यानी क्लेवर भी था. उसने कई बार शेर का मुंह सूंघा और सोच में पड़ गया. यानी ही शोइंग हिज क्लेवरनेस. शेर के पूछने पर उसने कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जुखाम के कारण मेरी नाक बंद है, कैसे बताऊं कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू. या हाउ ही वॉज इंटेलिजेंट. उसने कहा कि महाराज, मुझे तो जुखाम हुआ है और मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपके मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू. यानी उत्तर सुनकर जो शेर था वो बहुत हैप्पी हो गया, प्रसन्न हो गया. खरगोश ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया. शेर ने न केवल उसे छोड़ दिया बल्कि कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो और मंत्री के पद के योग्य हो. इस प्रकार बुद्धिमान खरगोश को शेर का मंत्री बना रहा. मीन्स यहाँ पर शेर बहुत ही खुश हो गया उसकी बुद्धिमानी को देख करके, और उसने उसे मंत्री के पद से नहीं हटाया और उसे छोड़ भी दिया. ओके एवरीवन, सो अंडरस्टूड कि इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट कि हमें मुसीबत के टाइम में भी अपना पेशेंस रखना चाहिए. हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई परेशानी आ रही है तो हमें अपना धैर्य खो देना चाहिए. वी हैव पेशेंस. वी शुड बी
बिहेव लाइक अ पेशेंस पर्सन, ओके। तो हमें कभी भी अपना मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ओके। आई होप दैट चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन।